दोस्तों, ये कहानी है हिम्मत की, हौसले की, डटकर मुसीबत का सामना करने की, जो हमें सिखा जाती है कि जिंदगी में परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मुसीबत से लड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को सिनेमा यात्री के साथ। ये कहानी है 20,000 साल पहले की, जहां लोग पत्थरों के हथियार बनाया करते थे और शिकार करके अपना गुजारा करते थे। अब हमें कुछ हंटर्स को दिखाया जाता है जो जंगली भैंसों का शिकार करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि विंटर का मौसम आने वाला था और उन्हें खाना इकट्ठा करना था। अब हम उनके मुखिया टाओ को देखते हैं, जो अपने लोगों से शिकार पर हमला करने के लिए कहता है। अब अपने ऊपर हमला होता हुआ देख वो भैंसे भी इनके ऊपर हमला कर देते हैं, और फिर उन जानवरों को अपनी ओर आता देख वे सभी भाले उनकी ओर फेंकते हैं, जिस वजह से वो सभी भैंसे अपनी दिशा बदल देती है और एक एक करके खाई में गिरने लगती है। अब ये देख उन भैंसों का मुखिया इन हंटर्स के ऊपर हमला कर देता है और टाओ के बेटे केडा के पीछे पड़ जाता है और उसे अपने सिंग में फंसाकर खाई की ओर ले जाने लगता है। अब ये देख टाओ एक भाला लेकर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो केडा को खाई में फेंक देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां टाओ अपने युवाओं को शिकार कैसे किया जाता है इस बारे में बता रहा होता है, जिसके बाद उन्हें पत्थरों से औजार बनाने के लिए कहा जाता है, जिनमें दो लड़कों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिनमें से एक टाओ का बेटा केडा भी होता है। अब उनकी सहन शक्ति का इम्तिहान होता है, जिसमें उन्हें खूब पीटा जाता है। इसके बाद वो दोनों पास हो जाते हैं और टाओ को अपने बेटे पर काफी फक्र होता है। अब अगले दिन वो अपनी माँ से मिलकर शिकार पर चले जाते हैं और थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन्हें एक और कबीले की टोली मिलती है, जो कि टाओ के दोस्त होते हैं, और अब वो सभी एक साथ शिकार पर चले जाते हैं, जहां पर वो सफर के दौरान एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं और टाओ अपने बेटे की हिम्मत को परखने के लिए उससे उस सुअर को मारने के लिए कहता है, लेकिन केडा उसकी आंखों को देखकर उसे मार नहीं पाता, जिस वजह से टाओ अपने बेटे पर भड़क जाता है और उससे कहता है कि बेटा, आखिर में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है, और इतना कहकर वो सुअर को मार देता है। अब रात को वो सब अपना खाना खा रहे होते हैं कि तभी एक शेर आकर उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है और उसे मार देता है, जिस वजह से केडा और बाकी के सभी काफी घबरा जाते हैं, और फिर अगली सुबह वो उस लड़के को श्रद्धांजलि देकर वहां से निकल जाते हैं। अब वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमने मूवी का पहला सीन देखा था, जहां पर केडा हमें खाई में गिरता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से टाओ और बाकी के सब घबराते हुए उसी चट्टान की ओर भागने लगते हैं, जहां पर उन्हें केडा एक चट्टान से लटका दिखाई देता है। टाओ अपने बेटे से हिम्मत न हारने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो चट्टान टूट जाती है, जिस वजह से केडा चट्टान के आधे रास्ते पर गिरकर रुक जाता है। अब ये देख टाओ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी के लोग उसे नीचे जाने नहीं देते, क्योंकि वो चट्टान एकदम सीधी थी। तभी उनका एक आदमी टाओ से कहता है कि तुम हमारे मुखिया हो और हमें घर पर सुरक्षित ले जाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, और फिर टाओ अपनी जिम्मेदारी और हालात से बेबस होकर अपने बेटे को इस उम्मीद में आवाज लगाने लगता है कि केडा भी उसे आवाज लगाए, लेकिन नीचे से केडा का उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और फिर अगली सुबह वो अपने बेटे को मरा हुआ समझकर उसे श्रद्धांजलि देकर वहां से चले जाते हैं। अब हम केडा को देखते हैं, जिसे एक पक्षी नोचने लगता है, लेकिन तभी केडा की आंखें खुल जाती हैं और वो उसे नीचे फेंक देता है, और घबराया हुआ केडा अपने पिता को आवाज लगाने लगता है, लेकिन अब आखिर में कोई भी रास्ता ना होने की वजह से वो उस चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान सीधी होने की वजह से वो नीचे उतर नहीं पाता और वो वहीं पर लटक जाता है। वो वहां पर काफी देर ऐसे ही लटका होता है और वहां बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो खाई पानी से भर जाती है, और फिर केडा उस खाई में छलांग लगा देता है और तैरता हुआ दूर चला जाता है। अगली सुबह केडा को होश आने पर वो बारिश का गंदा पानी पीता है और अपनी टांग की टूटी हुई हड्डी को सही कर अपने ऊपर पट्टी बांध लेता है। फिर केडा लंगड़ाता हुआ उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी स्मारक देखकर काफी गुस्सा होता है, और फिर उन पत्थरों को खाई में फेंकते हुए वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज दूर खड़े भेड़िए सुन लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर केडा उन भेड़ियों से बचने के लिए उसी पेड़ पर अपनी एक रात गुजार देता है। अब अगली सुबह जब केडा पानी भरने के लिए जाता है, तो वो भेड़िए
उसके ऊपर फिर से हमला कर देते हैं। तो केडा भागते हुए फिर से उसी पेड़ पर चलने लगता है, लेकिन तभी एक भेड़िया उसकी टांग पकड़ लेता है। तो केडा खुद को बचाने के लिए उसके पास के एक हथियार से उस पर वार कर देता है, जिस वजह से वो भेड़िया घायल हो जाता है और केडा पेड़ पर चढ़ जाता है। अब वो सभी भेड़िये केडा के नीचे आने का काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन अगली सुबह वह अपने घायल साथी को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब वो घायल भेड़िया दर्द से चिल्ला रहा होता है, तो केडा उसे दर्द से मुक्त करने के लिए उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, जिस वजह से केडा उसे मार नहीं पाता। तो केडा भाले की रस्सी खोलकर उसके मुंह को बांध देता है और उसे अपने साथ लेकर चल देता है। अब काफी देर चलने के बाद वो दोनों एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां पर वो दोनों अपनी रात गुजारते हैं। और अगली सुबह केडा अपने घाव पर जड़ी बूटियां लगाता है और पानी पीने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान सामने बैठे भेड़िये पर जाता है, जो अपने मुंह की रस्सियां खोलने लगता है, जिससे केडा समझ जाता है कि उसे भी प्यास लगी। तो केडा डरते हुए उसे भी पानी देता है और इस तरह दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। और बाद में वो उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां भी लगाता है। अब केडा को भूख लगने लगती है, जिस वजह से वो एक खरगोश का शिकार करता है और उसे खाने लगता है कि फिर केडा को खाता हुआ देख वो भेड़िया भी ललचा जाता है, लेकिन उस भेड़िये पर अपना प्रभाव डालने के लिए वो खुद पहला निवाला खाता है, जिसके बाद वो उसे भी खाने के लिए देता है। अब अगली सुबह केडा एक नई उम्मीद के साथ घर के लिए रवाना होता है, जहां पर वो उस भेड़िये को इशारों में कहता है कि वो उसके घर के लिए चला जाए, लेकिन वो उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और वो उसको ही फॉलो करता रहता है। वो एक लकड़ी को लेकर उसके साथ खेलने भी लगता है और फिर केडा भी उसे अपने साथ आने देता है। अब थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन्हें एक जंगली सुअर का बच्चा दिखाई देता है, तो भेड़िया अपनी रणनीति से उसे केडा के पास लेकर आता है, लेकिन केडा उसे मार नहीं पाता, जिस वजह से उन्हें रात में भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर अगली सुबह वो भेड़िया उसे शिकार करना सिखाता है, जिसके बाद उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो भेड़िया उसे एक मछली पकड़ कर देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। अब वो दोनों फिर से अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, जहां पर केडा उस भेड़िये को अल्फा नाम देता है। और फिर विंटर का मौसम भी शुरू हो जाता है, जहां पर केडा अब काफी बहादुर हो चुका है। वो दोनों मिलकर एक सुअर का शिकार करते हैं, जिसे वो रात में खाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक भेड़िया आ जाता है, जिसे खतरा समझकर केडा हथियार उठा लेता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो भेड़िया अल्फा का ही साथी होता है, जो उसे लेने के लिए आया होता है। अल्फा केडा की तरफ ऐसा देखता है जैसे मानो वो जाने की परमिशन मांग रहा हो। तो केडा भी उसे अपने परिवार में जाने के लिए कहता है और अल्फा वहां से चला जाता है। और फिर केडा भी बर्फीले तूफानों से अगली सुबह अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है, जहां कुछ देर चलने के बाद उसे एक भेड़ियों का झुंड नजर आता है। उनमें से एक अल्फा भी नजर आता है। वो काफी खुश होता है और अपने दोस्तों की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी भागते समय वहां की बर्फ टूट जाती है और इस वजह से केडा नीचे पानी में गिर जाता है। तो तभी अल्फा भी उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए उसकी ओर जाता है। वो बर्फ को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो बर्फ को तोड़ नहीं पाता। लेकिन केडा के पास एक हथियार होता है, जिसके जरिए वो उस बर्फ को तोड़ देता है और फिर वो अल्फा की मदद से बाहर आ जाता है। अब ठंड से बचने के लिए वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और आग लगाकर वो अल्फा के साथ ही वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह वो अपनी मंजिल की ओर निकलते हैं, जहां रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो बर्फ से जमकर मर गया होता है। केडा उसके पास से तीर कमान लेता है और आगे बढ़ जाता है, जहां उनका सामना बर्फीली तूफान और लकड़बग्घों से होता है। वो दोनों जान बचाने के लिए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां पर उनका सामना शेर से होता है। वो शेर केडा के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन अल्फा बीच में आ जाता है और उसके साथ काफी संघर्ष करता है और केडा अपने तीर से उस शेर को मार देता है। इस लड़ाई में अल्फा काफी घायल हो जाता है, तो अल्फा को अपने प्रति वफादार देख वो उसका काफी ख्याल रखता है और उसे अपने साथ पूरी जिंदगी रखने का वादा करता है। अब अगली सुबह वो अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, जहां उन्हें अपने पूर्वजों के स्मारक दिखाई देते हैं, जिससे केडा समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है। वो बर्फीले तूफानों के आगे जाने लगते हैं, लेकिन इस भयानक मौसम में अल्फा की हिम्मत जवाब दे देती है, तो केडा उसे अपने बगल में उठाकर आगे चल देता है। तब तूफान काफी बढ़ चुका था और केडा भूखा प्यासा आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से केडा की भी हिम्मत जवाब दे देती है और अल्फा को नीचे रखकर वो वहीं पर सो जाता है। अब उसे उसके माता पिता सपने में नजर आने लगते हैं, जिस वजह से वो हिम्मत कर उठ जाता है
और अपनी पूरी ताकत लगाकर अल्फा को अपने साथ लेकर एक बार फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे निकलता है, जहां कुछ देर आगे चलकर उसे उसका कबीला दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। वो जल्दी से अपने कबीले के पास आता है, जहां टाओ अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। केडा अपने पिता से पूछता है कि क्या उसने साबित कर दिखाया, जिसे सुनकर टाओ रोने लगता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। केडा अपने पिता से कहता है कि वो अल्फा को भी बचा ले। अब कबीले के लोग इन दोनों का इलाज करने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि अल्फा एक मादा है जिसने अभी अपने बच्चों को जन्म दिया है। यहां पर केडा काफी हैरान होता है, क्योंकि वो अल्फा को अभी तक नर समझता आ रहा था। अब यहां पर केडा की नजरों में अल्फा के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कुछ दिनों के बाद वो दोनों साथ में बैठे होते हैं, जहां अल्फा के बच्चे भी खेल रहे होते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है, जहां पर इंसानों ने जानवरों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया है। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि इंसान और भेड़िये दोनों मिलकर शिकार करने के लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।